आइए आज हम लोग इस वीडियो में ये इस टाइप के डेरिवेटिव को 5 सेकंडों में निकालने सीखेंगे। एकदम 5 सेकंड से भी कम लग सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग जो निकालते थे, अब देखिए जैसे सपोज यहाँ 1 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब देखिएगा यहाँ पे -6 यानी -11 बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -31 5x + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर तो इतना फास्ट लिख दिए, आखिर कैसे लिख चुके हम, वही देखना है। हम याद करके नहीं बैठे हैं, आप लोग के मन में आ रहा होगा सर तो याद करके बैठे हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, याद कर लिए होंगे ना, यही लग रहा होगा। आइए हम लोग पहले उस मेथड से चेक करते हैं जिस मेथड से आप पहले जानते थे, जो हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो d/dx x + 1 और x + 2 = क्या होता है, हर पहले यानी हर फिर अंश का डिफरेंशिएशन, किसका हम लोग करते थे, अंश का, d/dx x + 1 - अंश गुणे फिर किसका करते थे हम लोग, हर का डिफरेंशिएशन करते थे ना, एंड x + 2 / x + 2 का होल स्क्वायर इससे करते थे। अब चेक कीजिए कितना होगा, x + 2 इसका 1 हो जाएगा और वो आपका 0 हो जाएगा, -x + 1 और इसका कितना हो जाएगा, फिर से 1/x + 2 का होल स्क्वायर, यानी आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 2 - x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कटेगा, तो यानी 1/x + 2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग के देखे वही सेम आंसर ये यहाँ आया, तो हम ऐसे निकाले लेकिन हम पहले ही लिख दिए थे, लेकिन आप लोग को मन में आया होगा कि सर ये तो ऐसे निकाल रहे तो आ रहा है, लेकिन अब इसी को हम एकदम शॉर्ट मेथड से बताने जा रहे हैं। आप लोग बस 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो आइए बने रहिए, वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। देखिए अच्छा, 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, बस वीडियो को बस अच्छे तरीका से देखें और समझें। अभी देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, बस आप भी सीख जाएंगे, बस देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, d/dx इसका एक फॉर्मूला आप लोग के सामने दे रहे हैं, ये आपका क्या दे रहे हैं, फॉर्मूला एकदम कॉन्सेप्ट, जिसको कहिए कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं, तो ये क्या कहते हैं इसको, a/cbd अब इसको फिर cx + d का होल स्क्वायर, यानी ad - cb/cx + d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पे रखेंगे और ये वाला आंसर आते चला जाएगा, ये वाला रखेंगे और ये आंसर मेरा आते चला जाएगा। अच्छा तो अब रखिए, तो जी क्या है आपका d/dx x + 1 x + 2, ये आपका क्या है, ad, ए वन यहाँ 2, तो 1 2 माइनस, और यहाँ पे 1 यह भी है और यह भी है, यानी सी भी 1 है और आपका हाँ बी भी 1 है, 1 और प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, यानी 1/x + 2 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया, यही आया तुरंत आ गया लेकिन अब आप लोग भी जैसे हम अभी आंसर ही लिखे ना, अब आप लोग भी वही लिखेंगे, अब आप लोग भी सेम वैसे ही लिखेंगे। देखिएगा क्या कीजिए कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यानी 4 2 8, माइनस में है -8, और यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, तो -3 और x - 4 का होल स्क्वायर, यानी -11/x - 4 का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा 2 ये क्या हो जाएगा 2, और ये -, प्लस हो जाएगा, यानी x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, डन। और फिर देखिए ये 14 हो जाएगा या -45, और फिर क्या हो जाएगा 5x + 2 का होल स्क्वायर, और ये फिर आपका कितना होगा = 1, और ये आपका क्या होगा 3, यानी -5x + 2 का होल स्क्वायर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कर ही लीजिएगा। बाय बाय।